हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं दो सुपर बोट्स की रेस लगाने वाला हूं। तो यहां पे हमारी पहली बोट है कैवट आरसी इलेक्ट्रिक पावर्ड बोट, दूसरी हमारी बोट है बोट 7013। दोनों ही सुपर बोट्स है गाइस। दोनों की अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बहुत दिन पहले बनाई थी। अगर आप इनकी फुल अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो देख भी सकते हो। आज की वीडियो में हम इन दोनों बोट्स की रेस लगाने वाले हैं। तो चलो फटाफट से दोनों ही बोट्स को मैं बाहर निकाल लेता हूं, फिर चलेंगे बाहर इन दोनों ही बोट्स को टेस्ट करने के लिए। देखते हैं दोनों में से कौन सी बोट की स्पीड सबसे ज्यादा है। पहले ये वाली बोट निकाल लेता हूँ इसमें, यहां से फटाफट से कर लेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। और ये रहा इसका रिमोट, रिमोट काफी ज्यादा बड़ा है इसका। इसके साथ हमें एक चार्जर भी मिल जाता है बोट को चार्ज करने के लिए। अभी ये वाली बोट को भी निकाल लेते हैं गाइस यहाँ से। ये जो बोट है काफी ज्यादा बड़ी है, आप इसका साइज देख सकते हो। इसका मॉडल नंबर है 7013। इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं हमें, जैसे कि इसका ये वाला रिमोट 2.4 GHz रिमोट है, काफी ज्यादा बड़ा रिमोट है आप देख सकते हो। और बोट को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी मिल जाता है और ये एक स्टैंड भी मिलता है हमें बोट को इसके ऊपर रखने के लिए। सबसे पहले ये बोट मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये एक पूरी तरीके से सुपर बोट है और इसकी स्पीड भी जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा होती है। पीछे यहाँ पे डुअल मोटर्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप चाहे तो इसे ट्यूनिंग भी कर सकते हो लेफ्ट को या फिर राइट को। और ओवरऑल इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बिल्ड क्वालिटी भी एकदम ज़बरदस्त है इस बोट की। तो अभी इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका रिमोट, 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी पे चलता है इसका रिमोट। यहाँ पे हमें दो बैटरीज डालनी होती है, तो बैटरी इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। ये है इसकी स्टीयरिंग, रिमोट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अभी ये वाली बोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बोट है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इन दोनों के कंपैरिजन में आप देख सकते हो गाइस ये बोट काफ़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, पर ये बोट भी कुछ कम नहीं है गाइस। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर लगाई गई है। तो पीछे पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी हमें डुअल मोटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्यूनिंग करने के लिए कुछ मिलता नहीं है गाइस। इसके नीचे यहाँ पे हमें इसकी बैटरी डालनी होती है। इसकी जो बैटरी है इनबिल्ट आती है इसके अंदर, इसकी जो बैटरी हम सेपरेटली निकाल कर चार्ज भी कर सकते हैं। इसकी बैटरी 700 mAh की है, इसकी बैटरी 500 mAh की है। तो इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बोट को ट्यूनिंग करने के लिए यहाँ से हम इसे ट्यून कर सकते हैं लेफ्ट को या फिर राइट को, रिमोट के अंदर ही बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये इसकी स्टीयरिंग, लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए यहाँ से रिमोट को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये वाला भी रिमोट जो है 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी पे चलता है, काफी बढ़िया रिमोट है और काफी ज्यादा बल्की रिमोट नजर आ रहा है। इसके रिमोट के अंदर हमें 9 V की बैटरी डालनी होती है, बैटरी मैंने डाल ली है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, दोनों ही बोट्स को टेस्ट करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सी सुपर बोट की स्पीड जो है सबसे ज्यादा है। दोनों ही बोट्स को मैंने रख दिया है वॉटर के अंदर, अभी चलाएंगे हम इन दोनों बोट्स को, देखते हैं कौन सी वाली बोट जो है सबसे फास्ट है। रेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, हमारी येलो वाली जो बोट है काफी ज्यादा दूर भी जा चुकी है। ओ भाई, दोनों बोट्स टकरा भी चुके थे ऑलमोस्ट। तो भाई ये यहाँ पे क्या हो रहा है यार, हमारी जो ऑरेंज वाली बोट है वहीं पर ही राउंड घूम रही है, देख रहे हो गाइस। ये जो येलो बोट है कितनी ज़्यादा फास्ट है, ये वहाँ तक जाकर वापस भी एक बार आ चुकी है, और ये जो ऑरेंज वाली बोट है वहीं पर राउंड राउंड घूमे जा रही है यार। तो भाई ऑरेंज वाली जो बोट है थोड़ी सी स्लो है। ओ भाई साहब, येलो वाली जो बोट है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है यार, ये कितनी ज़्यादा शोर मचा रही है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इसके अंदर मोटर्स है। तो भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा फास्ट है हमारी येलो बोट। ऑरेंज कलर वाली जो बोट है ये जिगजैग स्टाइल में चलती है गाइस, बिल्कुल सीध में नहीं चलती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, येलो कलर वाली जो बोट है बिल्कुल सीध में चलती है। आप इसे लेफ्ट को चलाओगे तो लेफ्ट को जाएगी, राइट को चलाओगे तो राइट को जाएगी, पर ऑरेंज कलर वाली बोट ऐसी नहीं है, टेढ़े मेढ़े चलती है गाइस। जैसा एक सांप चलता है बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े होकर चलती है ये ऑरेंज कलर वाली बोट। अभी मैं यहाँ पर दोनों की बैटरी टेस्ट कर रहा हूँ गाइस, देखते हैं दोनों में से किसकी बैटरी जो है सबसे ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर हमने स्पीड तो देख ली गाइस, येलो वाली बोट जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, तो इसको मैं अभी काफ़ी ज़्यादा दूर तक चला चुका हूँ दोनों ही बोट्स को। अभी तक दोनों ही बोट जो है काफ़ी ठीक ठाक तरीके से चल रही है,
दोनों ही बोर्ड्स को मैंने तकरीबन 1.5 घंटे तक चार्ज किया है गाइस। देखते हैं अभी दोनों में से कौन सी बोर्ड जो है सबसे पहले रुकती है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस मुझे तो ये दोनों ही बोर्ड्स को टेस्ट करके। तो भाई यहाँ पे येलो कलर वाली जो बोट है रुक चुकी है, इसकी बैटरी हो चुकी है खलास। तो ऑरेंज कलर वाली जो बोट है अभी भी चल रही है बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन ये है कि गाइस ऑरेंज कलर वाली जो बोट है उसकी बैटरी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, येलो कलर की जो बोट है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी गई इस मेरे को। दोस्तों आपको ये दोनों बोट्स कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है प्रयाग, अमृत बंसल, विदत, मोनजीत, आयान भौमिक, कमलेश, जिचॉय, दिव्य प्रकाश, अग्निबिन दास, दत्तात्रेय चौधरी। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार RC बोर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।